हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र की बड़ी पहल सामने आई है। भारत के 22वें विधि आयोग ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। सुझाव भेजने के लिए लोगों को दिया गया है 30 दिनों का वक्त। सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी सुझाव मांगे गए हैं। इच्छुक संगठन और लोग अपने विचार आयोग को भेज सकते हैं। नए सिरे से परामर्श मांगना विधि आयोग ने शुरू किया है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूजीसी की पड़ताल की थी। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको दे रहे हैं। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने यूजीसी की पड़ताल की थी। समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र की बड़ी पहल इस बीच सामने आई है। भारत के 22वें विधि आयोग ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। और ये सुझाव 30 दिनों तक दिए जा सकते हैं। आज से तट से टकराएगा खतरनाक चक्रवात बिपरजॉय। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं बिपरजॉय से जुड़ी हुई। तट से टकराएगा तूफान बिपरजॉय। तट से टकराने से पहले क्षेत्र में भारी बारिश शुरू हो गई है। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश की शुरुआत। 150 किलोमीटर की रफ्तार से तट से टकराएगा तूफान। सबसे पहले कच्छ के तटीय क्षेत्र से टकराएगा तूफान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस वक्त की अंतरिक्ष से भी खतरनाक चक्रवात नजर आया है। अरब सागर में तूफान उठने लगा है। अंतरिक्ष से भी बिपरजॉय नजर आया है। आईएसएस ने चक्रवात बिपरजॉय का वीडियो भी जारी किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने यह वीडियो जारी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। समझिए कि किस तरीके से गुजरात में हाई अलर्ट है, कच्छ जिले में, और लोगों के आवास मूव किए गए। गुजरात में हाई अलर्ट है। 7,500 के करीब परिवारों को शिफ्ट किया गया है। द्वारका में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कच्छ और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो जिलों में तट से 10 किलोमीटर की दूरी तक बसे गांवों के लोगों को हटाया गया है। वहीं पोरबंदर के 31 गांवों से करीबन 3,000 लोगों को और द्वारका में करीबन 1,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ जिले के तटीय इलाके में धारा 144 लागू की गई है और सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक के लिए बंद हैं। साथ में भोजन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रेलवे ने 95 से ज्यादा ट्रेनों को अभी तक रद्द कर दिया है। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर समीक्षा बैठक करी। बैठक गुजरात के स्टेट इमरजेंसी सेंटर में की गई और बिपरजॉय के खिलाफ तैयारियों को लेकर जानकारी हासिल की गई है। मुख्यमंत्री ने चक्रवात के बाद उत्पन्न संभावित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अन्य जिलों की टीमों को बुलाया गया है। तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए PGVCL की 597 टीमों को तैयार किया गया है। सब स्टेशन में आवश्यक तादाद में लोगों को उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। तार और खंभों की व्यवस्था की गई है। बैठक में मुख्य सचिव सहित अन्य उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तूफानी चक्रवात की अगर बात करें बिपरजॉय की, तो इस कारण गुजरात के द्वारका के पास समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिलनी शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा कि गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। तो गुजरात के लिए संकट की घड़ी है, लेकिन गुजरात प्रशासन और सरकार दोनों ही इस संकट की घड़ी से निपटने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं और तैयारियां भी पूरी कर रहे हैं। इस बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खासा असर मुंबई और गुजरात के तटों पर दिखेगा। तो वहीं देश में आई इस आपदा से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ लोगों ने हवन किया। हवन करके इन लोगों ने ईश्वर से प्रभावित लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की है।
तो मथुरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात और मुंबई के तटीय क्षेत्र से तूफान टकराने वाला है, लेकिन इस संकट की घड़ी में हर देश का नागरिक जो भी कर सकता है अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहा है। मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में लोगों ने प्रभावित हो रहे इस क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए पूजा अर्चना करी है, प्रार्थना करी है इस वर्ष कि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। चक्रवाती तूफान से रक्षा के लिए हवन पूजन किया गया है। गुजरात और मुंबई के तट से टकराएगा बिपरजॉय, लेकिन उससे पहले मथुरा में पूजा का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 27 जून को भोपाल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धार में जनजातीय समाज के कार्यक्रम में शरीक होंगे। धार के बाद राजधानी भोपाल का रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। डिजिटल रैली के लिए चयनित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चयनित 2500 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बूथ समिति और पन्ना प्रमुख को भी संबोधित करेंगे। देश भर के सभी 10 लाख बूथों पर सीधा प्रसारण होने वाला है और इस दौरान प्रधानमंत्री भोपाल में रोड शो भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे से जुड़ी हुई। धार में जनजातीय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान धार के बाद राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा डिजिटल रैली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे, जिसमें चयनित 2500 कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे। बूथ समिति और पन्ना प्रमुख को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इस दौरान देश भर के सभी यानी कि 10 लाख बूथों पर सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन का किया जाएगा। इस बीच अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बुधवार देर शाम अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन, आरती और परिक्रमा की है। हनुमानगढ़ी के सीएम योगी ने दर्शन पूजन किए हैं। संकट मोचन हनुमान के दर्शन पूजन किए हैं मुख्यमंत्री ने। सुखी स्वस्थ उत्तर प्रदेश की सीएम ने कामना की है। राम मंदिर का निर्माण देखकर खुश हुए हैं सीएम। इंजीनियर्स और मजदूरों से सीएम योगी ने बातचीत भी इस दौरान की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां इंजीनियर्स और मजदूरों से सीधे तौर पर संवाद स्थापित करते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जब भी सीएम अयोध्या जाते हैं मंदिर परिसर का रुख जरूर करते हैं। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लेजर शो को भी देखा। आप भी देखिए लेजर शो के खूबसूरत नजारे। अब कैसे सुखी दिखे? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्य देव को तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज पालघर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिंदे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर पहुंचेंगे सीएम। शासन आपल्याधरी कार्यक्रम की आज करेंगे शुरुआत। आपल्याधरी कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब होने वाले हैं। उनको क्या कुछ मदद मिल रही है इस बात का संज्ञान भी लेंगे। सेवाओं का लाभ उठाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाएगा।
बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज पालघाट जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। इस दौरान सरकार आपके द्वार यानी कि आपल्या दरी कार्यक्रम की आज से शुरुआत सीएम करने वाले हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में इस कार्यक्रम के जरिए मदद मिलेगी, यानी कि सीधे तौर पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में या धरातल पर पहुंचने में जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं, उससे रूबरू होंगे, उसको रिजॉल्व करते नजर आएंगे सीएम एकनाथ शिंदे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के परोला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज होने वाली हिंदू महापंचायत स्थगित कर दी गई है, अनिश्चितकाल के लिए रद्द की गई है महापंचायत। राज्य आंदोलनकारी परिषद के प्रवक्ता का बयान इस बीच सामने आया है। प्रशासन ने दमनकारी नीति से धारा 144 लगा दी है। 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू। उत्तरकाशी में आज होने वाली थी हिंदू महापंचायत। पुरोला में कथित लव जिहाद को लेकर हिंदू महापंचायत होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी थी। वहीं महापंचायत को देखते हुए नगर में रह रहे मुस्लिम समुदाय के 3 परिवार कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए। ये तीनों परिवार बुधवार सुबह से ही अपने घरों में ताला लगाकर शहर से बाहर चले गए थे। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के प्रवक्ता राजपाल पवार ने साफ कहा कि वो सभी संगठनों से मिलकर आज बाजार जरूर बंद कराएंगे, क्योंकि प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाकर धारा 144 लागू की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंद की तस्वीरें हैं। हालांकि क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुरुला में आज जो महापंचायत होने वाली थी उसको स्थगित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बंद का प्रभाव जरूर है। आपको बता दें कि पिछले 26 मई को बिजनौर निवासी जितेंद्र सैनी और उवैस खान ने पुरोला में एक नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास किया, जिन्हें स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद से ही पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों के अगेंस्ट स्थानीय व्यापारी और लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए, उन्हें दुकान खाली करने तक की धमकी दे दी। इसके बाद से पुरोला में अभी तक मुस्लिम व्यापारियों की एक भी दुकान नहीं खुल पाई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब के तरन तारण से। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई, सीमावर्ती गांव से एक और पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। भारत पाक सीमा के पास से गांव जहां पर ये ड्रोन मिला है, गांव डल में ड्रोन मिला है। डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं, ग्रामीण जीने को मजबूर हैं, हालात बद से बदतर हो चले हैं। पंजाब के तरन तारण से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी एक बार फिर से ड्रोन मिला है, एक बार फिर मिला है पाकिस्तानी ड्रोन।